वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.8। ये जो मीन वैल्यू थ्योरम की थियरीज एंड दो तीन एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में देखेंगे, जो भी देखे थे उसके सॉल्यूशन उसके बेस से मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 मैंने होमवर्क में दिया था एंड क्वेश्चन 2, 3 एंड 6 को मैं यहाँ पे करवाने वाला था, बराबर। तो ये सभी के सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ पहले, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो दैट वी कैन इजीली गो थ्रू दिस ऑल एक्सरसाइज, कंटेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना। कुछ छोटे मोटे जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 में या फिर क्वेश्चन 3 में, वो भी हम देख लेंगे क्या है, बराबर। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करते हैं। रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है और फंक्शन ये दे दिया है, एक्स बिलोंग्स टू -4 से -2, है ना। अब मैंने बताया था रोल्स थ्योरम को अगर आपको वेरीफाई करना हो तो तीन कंडीशन पहले तो अप्लाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन थी कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड थी डिफरेंशियबल होना चाहिए, बराबर। फर्स्ट कंटिन्यूस, सेकंड डिफरेंशियबल एंड थर्ड वो जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, बराबर। तो एज वी नो दैट दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस थिंग्स इन अवर लास्ट लेक्चर दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, है ना, वो हमेशा ही कंटिन्यूस है। और ऑलवेज कंटिन्यूस वाली जो मैंने कंडीशन है ना वो हर एक अलग अलग फंक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी लिखवा दी थी कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में, कि कौन से फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर समझ लो इसमें कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आए कि चलो यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स लिख दे, साइन एक्स प्लस एक्स लिख दे, तो आपको मेमोरी कन्फ्यूजन रहेगा कि चलो साइन एक्स प्लस एक्स है तो वो क्या होगा भाई, वो तो उसमें आप ये जो बुक में क्वेश्चन है वो तो हमें सर अरे क्वेश्चन पॉलिनोमियल फंक्शन के है तो उसके लिए तो आपने बता दिया कि भाई वो कंटिन्यूस है, तो हमने वो सोच लिया और याद रख लिया। बट समझ लो किसी फंक्शन में साइन एक्स दे दिया फिर एक्स दे दिया, तो ये फंक्शन कौन सा होगा, कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन में कहीं पर है ही नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप लोग को डाउट रहेगा ना कि भाई ये क्वेश्चन में नहीं है तो मतलब ये वाले फंक्शन में कंटिन्यूटी क्या होगी। तो कंटिन्यूटी याद करो ना थोड़ी बहुत कि अगर ये कंटिन्यूस है अकेला, क्योंकि ये अकेला पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एंड कॉस जो है ना वो हमेशा ही कंटिन्यूस फंक्शन होता है, हमेशा ही, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। अब दो कंटिन्यूस फंक्शन है उसका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस, ये भी मैंने रूल सिखवा दिए, बढ़ा दिए थे, बराबर। तो बस ये तरीके से आप सोच सकते हो कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये वाला कंटिन्यूस फंक्शन है अल्टीमेटली, ठीक है ना। सो अगर समझ लो आपको पता ना चले कि कोई फंक्शन में कंटिन्यूटी क्या है तो फिर कंटिन्यूटी वाले टॉपिक को याद करो ना, वापस एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमको पता है दिस इज ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो लिख देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। एज वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, हैंस f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8 इज कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू माइनस कौन सा पॉइंट था भाई, -4 से -2, ठीक है। और ये भी पता है कि ये हमेशा ही डिफरेंशियबल भी होगा एंड इट इज़ ऑल्सो डिफरेंशियबल, एज वी नो दैट ये डिफरेंशियबल भी है ना। सो हियर एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशियबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू -4 से -2, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियबल भी है, और तीसरी कंडीशन क्या है भाई, एफ ऑफ -4 एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू है ना, एफ ऑफ -4 एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू होगी क्या भाई। तो एफ ऑफ -4 की वैल्यू -4 स्क्वायर प्लस 2 × -4 -8 कितना होगा भाई, 16 - 8 - 8 दैट इज 0 एंड 2 के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 8 दैट इज 4 + 4 - 8 एंड दैट इज ऑल्सो 0। सो हियर एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2, सो रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड
कैन बी अप्लाइड, बराबर। रोल सीरम अप्लाई कर सकते हैं, अब रोल सीरम अप्लाई कर सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, वी हैव सी एटलीस्ट वन सी फॉर विच एपडेस सी इक्वल जीरो है ना, तो एपडेस सी इक्वल टू जीरो करके हम एक सी की वैल्यू बना लेते हैं ना, तो एपडेस सी इक्वल टू जीरो करने के लिए पहले एफ ऑफ एक्स क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट है ना, तो एपडेस एक्स क्या होगा भाई, टू एक्स प्लस टू है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, तो भाई एपडेस सी क्या होगा भाई, एपडेस सी होगा टू सी प्लस टू इक्वल टू जीरो है ना, एक्स की जगह सी बना लो, एक्स की जगह सी बना लो, सो सी इक्वल टू माइनस वन, सो हियर सी इक्वल टू माइनस वन विच इज़ बिलोंग्स टू माइनस फोर से लेके टू, बराबर। ऐसा एक पॉइंट मिला मुझे जो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, माइनस फोर से लेके टू रेंज के अंदर है, फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक ऐसा सी मिल गया मुझे जिसके लिए रोल सीरम अप्लाई हो सकता है और रोल सीरम के हिसाब से एफ डैश सी जीरो होगा, ऐसा एक पॉइंट है, हैंस रोल सीरम वेरीफाइड, बराबर। ये वेरीफाइड हुआ ना, क्यों क्यों वेरीफाइड हुआ, क्योंकि अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होगी तो ऐसा एक सी मुझे मिलेगा, ये रोल सीरम है, तो हमने ये सभी चीज़ें प्रूव कर ली कि हाँ ये सभी चीज़ें हो रही है, इसलिए वेरीफाई किया हमने, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको वेरिफिकेशन। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एग्जामिन इफ रोल सीरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग्स अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल सीरम फॉर दिस एग्जाम्पल, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में होप एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू नाइन, क्वेश्चन नंबर टू है, बराबर। उसमें फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू फाइव टू नाइन, ठीक है। एज यू कैन सी दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है ना, इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू फाइव के पास तो कंटिन्यूस होगा, हो जाएगा वैसे, क्योंकि एल एच एल के साथ वो कंटिन्यूस रहेगा, सिक्स सेवन एट एंड नाइन, क्योंकि फंक्शन कैसा होगा देखो, फाइव से सेवन के बीच में उसका ग्राफ बनाने जाओगे ना, 1 2 3 4 5, तो फाइव के पास उसका आंसर होगा 5, फिर 5 से 6 के बीच में आंसर उसका होगा 5, बराबर। फिर 6 से अगेन टुकड़ा बनाएगा, वो ऐसा बनेगा, है ना, तो आप देख सकते हो 6 है 7 है 8 है, वो सभी पॉइंट के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, 5 के पास तो कंटिन्यूस है, सो 5 से लेके 9 तक बीच में 6 के पास कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ से टुकड़ा बन जा रहा है, 7 पे टुकड़ा बन रहा है, 8 पे टुकड़ा बन रहा है, एंड 9 पे भी टुकड़ा बनेगा, 9 पे भी उसका आंसर खुद का 9 होगा, बराबर, ऐसे, बराबर, 9 पे भी वो टुकड़ा ही बन जाएगा, क्योंकि 9 के पास भी उसकी खुद के पॉइंट के पास आंसर होगा 9, और एल एच एल हो जाएगा 8, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट से आंसर आएगा 8, बट उसके पॉइंट का आंसर होगा 9, सो एल एच एल भी खत्म, अलग एल एच एल एंड पर्टिकुलर पॉइंट के पास अलग आंसर है, इसलिए पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू 9 के पास वो डिसकंटिन्यूस है, तो वैसे ये सब चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे लिखने की भी ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्टली लिख दो कि भाई दिस इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू 5 से लेके 9, इसमें वो कंटिन्यूटी नहीं है, पूरे पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब कहीं पे बीच बीच में डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए लिख के दिखा दिया कि भाई ये एक्स इक्वल टू 6 7 8 9 के लिए मीन्स नॉट डिसकंटिन्यूस है, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस इन एक्स बिलोंग्स टू 5 से लेके 9, ठीक है, एंड सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स जो है वो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, बराबर, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 से लेके 9, ओके। वैसे अगेन ये डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, तो यही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 6 7 8 9 पे, बाकी सभी पॉइंट के लिए तो डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए अल्टीमेटली कोई एकाध पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है इस इंटरवल में, तो वो पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा ही बोलेंगे हम, बराबर।
तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है इस इंटरवल में, बराबर, हमेशा ही कंटिन्यूस नहीं है, हमेशा ही कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस नहीं है। अब कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड अगर मैं इसकी एफ ऑफ फाइव की वैल्यू बनाऊंगा तो फाइव, एंड एफ ऑफ नाइन की वैल्यू बनाऊंगा तो नाइन, तो एफ ऑफ फाइव डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ नाइन। ये तीनों की तीनों कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। वैसे तीनों में से एकाध कंडीशन भी होल्ड ना हो ना तो भी हम बोलेंगे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। वैसे यहाँ पे तीनों की तीनों कंडीशन में तीनों की तीनों कंडीशन वायोलेट हो रही है, इसलिए बोल सकते भी ये फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हैंस फॉर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, रोल्स थ्योरम थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई। ठीक है, उसी तरीके से, उसी तरीके से सेकंड में क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, वहाँ पे भी बॉक्स है एंड एक्स बिलोंग्स टू कुछ क्या है, एक्स बिलोंग्स टू है उसमें माइनस टू से लेके टू, तो इसी में सिमिलर यही सब चीज़ें लिख देनी है, बराबर, यही सब चीज़ें लिख देनी है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इज नॉट कंटिन्यूस इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके टू, माइनस टू से लेके टू में वो कंटिन्यूस नहीं है, बराबर, नॉट कंटिन्यूस इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से लेके टू, ठीक है, माइनस टू से लेके टू, फिर नॉट डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से टू, बराबर, एंड एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, एफ ऑफ टू इक्वल टू टू, सो अगेन हियर बोथ आर नॉट सिमिलर, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट, सॉरी, फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्सेस रोल सीरम कैन नॉट बी अप्लाइड, बराबर। ये दूसरा क्वेश्चन, फिर ये तीसरा क्वेश्चन में देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर देखोगे तो अगेन एज यू कैन सी दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हैंस इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, बराबर। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हियर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन एक्स बिलोंग्स टू वन से लेके टू एंड डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू वन से लेके टू, बराबर। ये दो चीज़ें तो है, मतलब दो दो जो रूल्स है वो तो होल्ड कर रहे हैं अभी। एंड तीसरा रूल्स क्या है, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन माइनस वन जीरो, एफ ऑफ टू इक्वल टू टू स्क्वायर दैट इज फोर माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री, है हियर एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू। तीसरा जो रूल्स है ना वो होल्ड नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, तीनों के तीनों रूल्स अगर होल्ड करेंगे तो ही रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हियर फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी अप्लाइड, बट फर्स्ट एंड सेकंड रूल्स कैन बी वेरीफाइड इज ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, बट थर्ड रूल दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी इज नॉट पॉसिबल। हियर एफ ऑफ, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, फॉर दिस फंक्शन रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई, बराबर, कैन नॉट बी अप्लाई, हम वही अप्लाई नहीं कर सकते बस। ठीक है, तो ये हो गए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन टू। लेट अस हैव क्वेश्चन थ्री। ओके, क्वेश्चन थ्री देखो, एफ ऑफ माइनस फाइव से लेके फाइव तक डिफाइन है, मतलब यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस फाइव हो गया एंड बी इक्वल टू फाइव हो गया। ठीक है, ये फंक्शन इसमें डिफाइन है एंड लिखा क्या है कि भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हियर एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन वो नहीं लिखा, बट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, बराबर, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन माइनस फाइव टू फाइव। सो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस तो है, बराबर, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है इसीलिए कंटिन्यूस है ना। जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस तो होगा ही, है ना, और कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो मैंने बता दिया था आपको, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बराबर। तो ये कंटिन्यूस है बट ये पॉइंट के पास वो डिफरेंशिएबल नहीं है, है ना, बट डिफरेंशिएबल है देन इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वैसे वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट के पास डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अगर क्रिएट हो रही है तो डेफिनेटली, सॉरी, अगर डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हो रही है मतलब ये वाली चीज़ तो है ही नहीं, ये वाली चीज़ नहीं है, या फिर
ये वाली चीज़ नहीं है या फिर ये वाली चीज़ नहीं है, बराबर ये वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे जो टेंजेंट वाला है ना, ये तीनों चीज़ तो है ही नहीं, इस तीनों चीज़ के सिवा सब कुछ है, मतलब डिफरेंशिएबल है, तो ये तीनों चीज़ नहीं है, अल्टीमेटली ये चीज़ नहीं है, बराबर नॉन डिसकंटिन्यूटी वाली जो चीज़ है ना वो नहीं है, डिसकंटिन्यूटी वाली चीज़ नहीं है, अल्टीमेटली वो कंटिन्यूस है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो है ही, है ना। सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू फाइव एंड डिफरेंशिएबल, सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव से लेके फाइव, इसके अंदर तो होगा ही डेफिनेटली। एंड थर्ड, उसने ऐसा बोला है कि भी फंक्शन है ना वो कहीं पे वैनिश नहीं हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, एफ डैश एक्स कभी भी कहीं पे जीरो नहीं है। सो अल्टीमेटली एफ डैश सी भी कहीं पे जीरो नहीं है, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भी फंक्शन कहीं पे जीरो नहीं हो रहा है ना, फंक्शन कहीं पे जीरो हो ही नहीं रहा है, समझ लो ऐसा होके नीचे आएगा, अगर ऐसा होके नीचे आएगा तो ये तीसरी कंडीशन अप्लाई होगी ना, ए एंड बी के पॉइंट के पास सिमिलर वैल्यू कब आ सकती है, जब फंक्शन ऊपर जाके वापस नीचे आए तब, है ना। बट ये फंक्शन तो कहीं पे जीरो हो ही नहीं रहा है, नीचे ऊपर जाके नीचे तो आ ही नहीं रहा है ना, फंक्शन कैसा बन रहा है भाई, तो फंक्शन में ऐसे ऊपर जा रहा है समझ लो, तो ऊपर ही चला जा रहा है, अगर नीचे आएगा तो पर्टिकुलर वो पॉइंट के पास वो जीरो होगा, बट नीचे ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, तो अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर फंक्शन कहीं पे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू सिमिलर नहीं बनाएगा, है ना। या फिर ऐसा सोच लो कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर ये तीनों कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो ही हम लिख सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो है, है ना। ये तीनों चीज़ अगर होल्ड कर रही है तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो है। अब समझ लो कि एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों में से कोई एकाध कंडीशन वायलेट हो रही है। वंस अगेन, अगर एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या हुआ कि ये तीनों में से कोई एटलीस्ट एक कंडीशन तो वायलेट हो रही है, तो यहाँ पे ये वायलेट नहीं हो रही क्योंकि कंटिन्यूस है, ये भी वायलेट नहीं हो रही क्योंकि डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स वॉट कि ये तो कम्प्लीटली वायलेट होनी ही चाहिए, इसीलिए ये एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो आया, है ना। अगर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होता तो तीनों की तीनों कंडीशन एक्सेप्ट होती, बट यहाँ पे एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो आया है, इट मीन्स वॉट कि ये तीनों में से कोई एकाध कंडीशन वायलेट हो रही है ना, क्योंकि एफ डैश सी ये जो लास्ट रिजल्ट है ना वो रिजल्ट फॉल्स बोल रहे, रिजल्ट फॉल्स है उसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों में से कोई एकाध कंडीशन तो डेफिनेटली वायलेट होगी ना, तभी तो रिजल्ट फॉल्स लिखा जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन वायलेट नहीं हो रही है, तीनों कंडीशन अगर ट्रू है तो डेफिनेटली ये तो जीरो हो जाएगा एफ डैश सी, इसलिए यहाँ पे उन लोग ने पहले रिजल्ट दे दिया है उन लोग, और बोल दिया कि रिजल्ट गलत है भाई, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा रिजल्ट गलत है मतलब ये तीनों में से कोई एकाध कंडीशन तो डेफिनेटली फॉल्स होनी पड़ेगी, है ना। अब फॉल्स है और उसमें से भी ये दोनों चीज़ें ट्रू है तो डेफिनेटली ये ही फॉल्स है। सो एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इतना लिखने के बाद तुरंत ही आप लिख दो, हैंस क्या लिख सकते हैं, हैंस एफ डैश एफ ऑफ जो कौन सा था पॉइंट टू एंड फोर, माइनस फाइव एंड माइनस फाइव, हैंस एफ ऑफ माइनस फाइव इक्वल टू एफ ऑफ फाइव कंडीशन शुड बी या फिर मस्ट बी वायलेट, वो कंडीशन मस्ट बी वायलेट, ठीक है, वो वायलेट होनी चाहिए क्योंकि पहली दो कंडीशन ट्रू है ना, अब तीसरी कंडीशन है ना, तीसरी जो रिजल्ट है वो फॉल्स दे दिया, मतलब ये तीसरी जो कंडीशन थी वो डेफिनेटली वायलेट हो जाएगी। सो हैंस या फिर सो, हैंस लिख दिया ना तो फिर सो लिख दो, सो एफ ऑफ माइनस फाइव नॉट इक्वल टू एफ ऑफ फाइव, बस इतना ही लिखना है, बस थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो आप इतना दिखा के आप छोड़ सकते हो, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर के लिए देखते हैं, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन फॉर विच ए बी इक्वल टू वन एंड फोर, बस तो वेरीफाई करना है, तो मैंने क्या बताया था, अगेन एफ ऑफ एक्स ये जो क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन वन टू फोर, ये जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी डिटेल में जो मैंने बताई थी उसी तरीके से लिखना, आप डिफरेंशिएबल इन वन टू फोर, ये तो भी अभी आपको वही सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए तुरंत दिखा रहा हूँ, बराबर।
ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, एंड तीसरी कंडीशन भी एफ ऑफ वन इक्वल टू वन स्क्वायर, दैट इज वन माइनस फोर माइनस थ्री विच इज माइनस सिक्स, एंड एफ ऑफ फोर इक्वल टू फोर स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन माइनस फोर, फोर जा सिक्सटीन, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। और यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम है भाई, वो देखना। मीन वैल्यू थ्योरम में मतलब ये तीसरी कंडीशन एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ फोर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। मीन वैल्यू थ्योरम में एल एम बी टी लैंग्रेजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या था, रोल्स थ्योरम नहीं लिखा है, देखो मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है, मतलब आपको समझना है एल एम बी टी लैंग्रेजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और उसमें क्या था कि भाई ये दो ही कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, दो कंडीशन अगर होल्ड हो रही है, अगर ये दो कंडीशन होल्ड हो रही है तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ फोर माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड बाई फोर माइनस वन हमेशा ही होल्ड करेगा, बराबर। और एफ डैश सी क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू सी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स माइनस फोर, है ना, टू एक्स माइनस फोर, तो टू सी माइनस फोर इक्वल टू एफ ऑफ फोर क्या है माइनस थ्री, एफ ऑफ वन क्या है माइनस सिक्स, तो माइनस ऑफ माइनस सिक्स दैट इज प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री, सो फाइनली टू सी इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री जाएगा थ्री बाई थ्री वन प्लस फोर, हैंस सी इक्वल टू फाइव बाई टू विच इज बिलोंग्स टू वन टू फोर, है ना, वन टू फोर के अंदर है, वन से लेके फोर के अंदर है, सो एल एम बी टी कैन बी वेरीफाइड। ये दो कंडीशन है, और जो तीसरा एल एम बी टी से अप्लाई करके सी जो मिल रहा है वो इसके अंदर ही है, सो फॉर दिस फॉर सी इक्वल टू फाइव बाई टू बिलोंग्स टू वन टू फोर मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस वन टू थ्री इंटरवल, एंड दूसरा क्या है, फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू वन टू थ्री, वन टू थ्री के बीच में और सभी सी फाइंड करो फॉर विच एफ डे सी इक्वल जीरो, एफ डे सी जीरो हो ऐसे सभी सी फाइंड करो, ठीक है। तो देखते हैं पहले मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करके, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल वन टू थ्री, बराबर, वो तो है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड दूसरा एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन वन टू थ्री, बराबर। अब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मैंने क्या बताया था, तीसरी कंडीशन रखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली लिख सकते एफ ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ वन, है ना, एंडिंग पॉइंट पे डिवाइड बाई थ्री माइनस वन, एंड एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश सी थ्री सी स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर का टेन एक्स, तो यहाँ पे टेन सी फिर माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री इक्वल टू एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या होगी भाई, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू थ्री रेस टू थ्री दैट इज ट्वेंटी सेवन, माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, फाइव जा फोर्टी फाइव, माइनस थ्री थ्री जा नाइन, माइनस वन रखोगे तो वन माइनस फाइव माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन दैट इज टू। अब मुझे सी फाइंड करना है भाई, है ना, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27 में से 45 एंड 9 दोनों निकाल दो तो कितना बचेगा भाई, 27 माइनस ये दोनों मिलके 54, 27 माइनस 54 दैट इज माइनस 27, फिर माइनस ये 1 में से 8 जाएगा तो माइनस 7, माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 20 बाय 2 विच इज माइनस 10, सो फाइनली ये हो गया थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी माइनस थ्री, सो थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी माइनस टेन इस तरफ जाएगा तो टेन माइनस थ्री दैट इज प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, एंड देन अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा तो सेवन एंड थ्री, थ्री इंटू सेवन दैट इज ट्वेंटी वन, और वही दोनों का एडिशन टेन होगा, बराबर, तो सेवन एंड थ्री दोनों ही फैक्टर बन जाएंगे। अब सी स्क्वायर का कोफिशियंट थ्री है इसलिए हम सी थ्री को डिवाइड कर लेंगे, तो एक तो सी माइनस थ्री एंड सी माइनस सेवन, है ना, थ्री एंड सेवन दोनों फैक्टर है इसलिए, बराबर, माइनस टेन बनाने के लिए इसलिए माइनस रखा, एंड थ्री जो है वो
इसका कॉफिशेंट है तो इसको हम डिवाइड करते हैं हमेशा ही, जब भी कॉफिशेंट हो तो हमेशा ही डिवाइड कर लेते हैं, बराबर। तो अब हो गया c, क्या हो गया c माइनस वन इंटू सी माइनस सेवन बाई थ्री, दैट इज सी इक्वल टू वन और सी इक्वल टू सेवन बाई थ्री। चलो ये दोनों इसके अंदर है क्या, रेंज के अंदर, वन से लेके थ्री के बीच में है। अब एक्चुअल में वेरिफिकेशन जो होगा ना, वो वेरिफिकेशन होगा सिर्फ ओपन इंटरवल वन से लेके थ्री के बीच में। सो ये वाला जो है ना, वो वन से लेके थ्री के बीच में है नहीं, है ना। हियर फॉर सी इक्वल टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू वन से लेके थ्री, मीन वैल्यू थ्योरम cannot be hold, cannot verify, whatever. But for c equal to 7 by 3 कितना होगा approximately 2 point something, और वो जो होगा वो 1 से लेके 3 बीच, 3 के बीच में है, mean value theorem can be verify, ठीक है। तो c equal to 7 by 3 के लिए ही सिर्फ mean value theorem apply कर सकते हैं, फॉर सी इक्वल वन वी कैन नॉट वेरीफाई और वी कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट आंसर। फिर दूसरा पूछा है फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू वन टू थ्री फॉर विच एफ डेस सी इक्वल जीरो, सभी सी फाइंड करने हैं फॉर विच एफ डेस सी इक्वल जीरो है, एफ डेस सी इक्वल टू जीरो है, तो ऐसे सी कितने होंगे। एफ डेस सी मतलब कितना है भाई, थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी माइनस थ्री, है ना। एफ डेस सी की वैल्यू थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन, मतलब वही नाइन वन जा सी माइनस नाइन सी माइनस वन, है ना। थ्री इंटू थ्री दैट इज़ नाइन, और ये नाइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसके लिए सब्ट्रैक्शन, जिसके लिए आंसर टेन आना चाहिए समेशन। सो नाइन एंड वन दोनों माइनस में रखे ताकि माइनस टेन बन जाए, माइनस नाइन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। और जब भी सी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी रहेगा तो हमेशा उसको डिवाइड कर लो। फाइनली सी इक्वल टू थ्री एंड और सी इक्वल टू वन बाई थ्री, बस ऐसे दो सी मिले मुझे फॉर विच एफ डेस सी इक्वल टू जीरो होगा। बट अगेन मैंने क्या बताया था, वन से लेके थ्री के बीच में होने चाहिए, तो वन से लेके थ्री के बीच में तो कोई भी नहीं मिला, है ना। हियर सी इक्वल टू थ्री और वन बाई थ्री विच आर नॉट बिलोंग्स टू वन से लेके थ्री, बराबर। तो ऐसे कोई सी मिले ही नहीं मुझे। So here C is not possible. Value of C, C belongs to 1, 2, 3 is not possible for which F dash C equal to 0. And F dash C equal to 0 हो ऐसा कोई C 1 से लेके 3 के बीच में possible नहीं है, बराबर। वैसे यहाँ पे हम direct भी लिख सकते थे, डायरेक्ट भी अगर लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, समझ लो और करके यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर सोचोगे कि भाई कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशियबल भी है, एंड अगर एफ ऑफ वन इक्वल टू एंड एफ ऑफ थ्री इक्वल टू बनाने जाओगे तो क्या बना था, एफ ऑफ वन इक्वल टू माइनस 27 बना था एंड एफ ऑफ थ्री इक्वल टू, है ना, माइनस 27। हाँ, एफ ऑफ थ्री का आंसर एंड एफ ऑफ वन का आंसर 7 था, सॉरी माइनस 7। तो ये माइनस 7 था, बराबर, ये माइनस 7 और ये माइनस 27, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे कोई सी पॉसिबल ही नहीं है। सी बिलोंग्स टू 1, 2, 3 इज नॉट पॉसिबल, मतलब फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, है ना। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि वेरीफाई नहीं होगा ना ये रोल्स थ्योरम, ये तीसरी रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन है, वो वेरीफाई नहीं हो रही है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे कोई सी नहीं मिलने वाले हैं मुझे, है ना। रोल सीरम जो कंडीशन थी ना, रोल सीरम की कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। रोल सीरम की कंडीशन क्या थी कि सी बिलोंग्स टू वन थ्रू थ्री, वन से लेके थ्री मिलेगा मुझे एफ डेस सी इक्वल जीरो के होल्ड करता हुआ। बट यहाँ पे तीसरी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, मतलब ऐसा कोई सी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली ऐसा दिखा के, बट फिर भी अगर आपको ऐसा चेक करके ही लिखना है तो भी लिख सकते हो। बट हाँ, खास ध्यान रखना वन से लेके थ्री के बीच में आने चाहिए, वो नहीं है तो डायरेक्टली ना बोल देना कि सी बिलोंग्स टू वन टू थ्री इज नॉट पॉसिबल फॉर विच एफ डेस सी इक्वल जीरो, बराबर। ओके चलो, ओके लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स।
examine this applicability of mean value theorem, that is LMVT or MVT, for all the three condition, all the function given in question 2. अब क्वेश्चन टू में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स दिया था, फिर दूसरे में भी वही दिया था, दोनों में इंटरवल कुछ अलग अलग था, एंड तीसरे में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ एक्स स्क्वायर माइनस वन, बराबर तीनों में एक्स क्या क्या है, 5 से लेके 9, फिर एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 एंड 1 से लेके 2 तक, बराबर। अब अगेन ये तो इजी है भाई, फर्स्ट में जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 5 से लेके 9 में, डेफिनेटली मीन वैल्यू थ्योरम भी अप्लाई नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है भाई, दैट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, है ना, ये कंटिन्यूस ही नहीं है, कंटिन्यूस ही नहीं है, फिर एक्स बिलोंग्स टू 5 से लेके 9 के बीच में कंटिन्यूस नहीं है एंड डिफ्रेंशिएबल भी नहीं है भाई, बराबर इज नॉट डिफरेंशियबल इन दिस इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू 5 से लेके 9। सो डेफिनेटली MVT थियरम कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन नॉट बी वेरीफाइड, वेरीफाई नहीं होगा, बराबर। फिर सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो, उसमें भी वही होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेके 2, अगेन मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है, कंटिन्यूस नहीं होता है ना, कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होता है, सभी इंटीजर के पास -1, 0, 1 एंड 2, तो वो कंटिन्यूस नहीं है, है ना, नॉट कंटिन्यूस इन एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 एंड नॉट डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेके 2। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए MVT नॉट वेरीफाई, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, उसमें कर सकते हैं x²-1, क्यों कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x²-1 इज कंटिन्यूस इन -1 से लेके 2, बराबर 1 से लेके 2, इसमें कंटिन्यूस भी है एंड इट इज डिफरेंशिएबल भी है, बराबर इट इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो 1 से लेके 2 तक, बस तो ये दो चीज़ होनी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ है, इसमें एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना, तो ये दो कंडीशन तो होल्ड कर रही है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते भी f'c इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो f'c क्या होगा भाई, तो f'x 2x होगा, f'x की वैल्यू 2x, तो f'c की वैल्यू होगी 2c, 2c इक्वल टू एफ ऑफ 2 होगा 2² - 1, दैट इज 4 - 1 = 3 एंड एफ ऑफ 1 होगा 0 डिवाइडेड बाई 1। सो फाइनली c इक्वल टू 3/2, है ना, और वो जो होगा वो इसके अंदर होगा ही, सो हियर c इक्वल टू 3/2 बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 फॉर दिस MVT कैन बी वेरीफाई, ठीक है, दैट्स ऑल, बस ये हो गया थर्ड का आंसर और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।